क्या आप एक जीनियस हो और आप औरों से अलग सोचते हो? हो सकता है आप एक जीनियस होंगे पर आपको पता ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 5 इल्यूजन दिखाऊंगा। आप इसे 5 क्वेश्चन भी कह सकते हो। अगर आप 5 में से 4 का भी सही जवाब दे दिए तो आप एक जीनियस हो और आप औरों से अलग सोचते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, इस इल्यूजन में ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन में कौन सा लाइन बड़ा है? लाइन ए बड़ा है या लाइन बी? आपके पास आंसर देने के लिए 15 सेकंड है। ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा लाइन बड़ा है। अगर आपका आंसर लाइन बी है और लाइन बी को बड़ा कह रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ना ही लाइन ए बड़ा है और ना ही लाइन बी, दोनों सेम है। यकीन नहीं होता तो माप कर देख लो। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को दोनों लाइन सेम दिखा होगा। अगर आपको भी दोनों लाइन सेम दिखा था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीनियस के कैटेगरी में एक कदम आगे आ चुके हो। नंबर 2, इस इल्यूजन में कौन सा लाइन सीधा है? आपके पास 15 सेकंड है, ध्यान से देखकर बताइए। मुझे पता है आप में से सबको लग रहा होगा सारे के सारे लाइन सीधे ही हैं, लेकिन अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि सारे के सारे लाइन सीधे ही हैं। अगर आपको भी सभी लाइन सीधा लगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीनियस के कैटेगरी में एक कदम आगे बढ़ चुके हो। नंबर 3, इस इल्यूजन को देखिए। इस इमेज में 3 इंसान दिख रहे हैं जिसका नाम है ए, बी और सी। आपको बताना है इन तीनों में कौन सा बड़ा है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, आपके पास 15 सेकंड का वक्त है। अगर आपका आंसर सी है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ए, बी और सी तीनों सेम है। कई इल्यूजन ऐसे होते हैं जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं पाता। तो अगर आपका आंसर सेम है या आपको भी सेम लग रहा था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीनियस के कैटेगरी में एक कदम आगे आ चुके हो। नंबर 4, इस इल्यूजन को ध्यान से देखिए और बताइए इसके बीच में हिल रहा है या नहीं। आपके पास 15 सेकंड का वक्त है। अगर आपको लग रहा है कि बीच में हिल रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये एक इमेज है। और अगर आपका आंसर नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीनियस के कैटेगरी में एक कदम आगे आ चुके हो। नंबर 5 एंड लास्ट, इस इल्यूजन में कौन सा लाइन सीधा है? आपके पास 15 सेकंड का समय है, ध्यान से देखकर बताइए। क्या आपको सीधा लाइन मिला? अगर आपको सभी लाइन सीधे ही लग रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हो। आपने 5 में से कितना स्कोर किया कमेंट में बताइए। और अगर आप 5 में से 4 सही जवाब दे दिए तो आप एक जीनियस हो और आप औरों से अलग सोचते हो। और अगर आप 5 में से 5 सही जवाब दे दिए तो आप एक जीनियस हो और आप औरों से अलग सोचते ही हो और आपका माइंड शार्प है। और मैंने जो थंबनेल में इस इल्यूजन को दिखाया है, जो नीचे से दिखने में 3 और ऊपर से दिखने में 2 है, वो एक ऐसा इल्यूजन है जिसे आप जितना भी गौर से देख लो आप कंफ्यूज ही रहोगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए वीडियोस अपलोड होते ही देखने के लिए इस घंटे को दबाकर ऑल पर सेट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।